हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं परेश पीवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको व्हाट्सअप के तीन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तीन फीचर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। व्हाट्सअप ने हाल ही अपनी न्यूज़ सुनी होगी फ्रेंड्स, व्हाट्सअप ने एक नया और लेटेस्ट बहुत ही अच्छा, सब लोग चाहते थे वही फीचर को, वो फीचर हमने व्हाट्सअप ने अपडेट कर दिया है व्हाट्सअप में। तो फीचर मैं आपको तीनों एक एक बता देता हूँ फ्रेंड्स कि व्हाट्सअप के तीन फीचर कौन से आए हैं और नए अपडेट में आए हैं कि आपको आपको नया अपडेट आने का बाकी है। तो मैं सब कुछ जानकारी आज आपको दूंगा फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और पूरी बात और पूरी जानकारी मेरे से आज लेके जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहला जो ऑप्शन है, पहला जो फीचर है व्हाट्सअप का, उसके बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो पहला फीचर जो है फ्रेंड्स, तो पहले फीचर में मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि व्हाट्सअप के जो इमोजी है फ्रेंड्स, वो इमोजी चेंज हो गए। दूसरा जो फीचर है फ्रेंड्स, दूसरे फीचर में जो अपने व्हाट्सअप ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लॉन्च किया है, दूसरा फीचर जो है लाइव लोकेशन का है, मतलब कभी भी आप लाइव लोकेशन किसी को भी सेंड कर सकते हो। और तीसरा जो फीचर है फ्रेंड, और जो महत्वपूर्ण और बहुत ही लोगों को अच्छा लग रहा है, वो फीचर है फ्रेंड्स कि आप कभी किसी को व्हाट्सअप पे एक गलती से मैसेज सेंड कर देते हो तो उसको आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। एक बार ही मैसेज सेंड हो गया तो फिर उसको नो चैलेंज, उसके पास वो मैसेज जाता था और वो कभी भी उसको पढ़ सकता था। लेकिन व्हाट्सअप ने अभी एक ऐसा उसमें फीचर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स कि 7 मिनट के अंदर आप व्हाट्सअप के किसी को भी सेंड किए गए मैसेज को डिलीट कर सकते हो। उसने वो मैसेज पढ़ लिया होगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने वो मैसेज ना पढ़ा होगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फीचर की बहुत ही चर्चा हो रही है अब, और व्हाट्सअप के ये फीचर बहुत ही लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो नए अभी धीरे धीरे जो अपडेट आ रहे हैं, अभी बीटा वर्जन के लिए अपडेट आ गया है और धीरे धीरे हम जो नॉर्मल व्हाट्सअप यूज़ करते हैं उसके लिए भी धीरे धीरे ये अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स। तो अभी जो आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगा प्ले स्टोर में, तो नेक्स्ट अपडेट में आपको ये अपडेट मिल जाएगा और आपको लाइव लोकेशन का और इमोजी का तो चेंज हो गए होंगे। अभी आप फिलहाल अभी अपना व्हाट्सअप अपडेट करोगे तो आपको ये दो तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा वाला जो है वो कई यूनिक यूज़र को लिए उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन सबके लिए आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड। अभी तो मेरे मोबाइल में मैंने अपडेट लगा दिया है, तो मेरे मोबाइल में अपडेट होने के बाद मुझे जो अपडेट मिलेगा तो उसमें मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपडेट मिल गया है और उनका जो है मैसेज डिलीटिंग का ऑप्शन आ गया है। जब भी आप प्रेस करके, आप सपोज एक कोई मैसेज आपने गलती से किसी को सेंड कर दिया तो आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर डिलीट का ऑप्शन आता है फ्रेंड। जब डिलीट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एक ही आता है, डायरेक्टली कैंसिल और डिलीट का ऑप्शन आपको अभी आता है फिलहाल। तो अभी जब अभी अपडेट करोगे तो वहाँ पे आपको 3 मैसेज डिलीट हो जाएंगे कि आपको ये परमानेंट डिलीट करना है या आपको नॉर्मली अपने फ़ोन से इसको डिलीट करना है। और भी एक ऑप्शन है फ्रेंड्स, उस ऑप्शन के बदलो तो आप अपने, सपोज आपका मैसेज यहाँ से डिलीट कर दिया तो उसके मोबाइल में, सपोज आप सामने वाले के मोबाइल में एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई ये मैसेज डिलीट किया गया है, दिस मैसेज वॉज बीन डिलीटेड, ऐसा वहाँ पे एक एरर आ जाएगा। वहाँ पे आएगा कि ये बंदे ने मैसेज मुझे सेंड किया था, लेकिन वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये मैसेज डिलीट किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको खाली 7 मिनट में करनी है फ्रेंड्स। 7 मिनट में आपको ये मैसेज डिलीट करना होगा, नहीं तो ये मैसेज बाद में डिलीट नहीं होगा। नहीं तो आप समझ रहे होंगे कि ये मैसेज मैंने सेंड कर दिया हूँ, मैं कभी भी इसको डिलीट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड। आप ध्यान रखिए, मेरी बात को अच्छे से सुनिए फ्रेंड, कि आप कभी भी किसी को मैसेज सेंड करते हो तो उसको 7 मिनट के अंदर आपको डिलीट कर सकते हो। 7 मिनट के बाद आप उस मैसेज को कुछ भी नहीं कर सकते फ्रेंड। सपोज आप गलती से, कभी कभार हमसे हो जाता है कि हम मैसेज करना किसी को चाहते हैं और सेंड किसी को हो जाता है, तो उसके लिए व्हाट्सअप ने ये फीचर लॉन्च किया है और बहुत लोग इसको पसंद ही दे रहे हैं। और आपको लाइव लोकेशन का बता दो फ्रेंड्स, तो लाइव लोकेशन का होता क्या था, सपोज मैं कभी कभार किसी को लोकेशन सेंड करता था, लोकेशन सेंड करने के बाद होता क्या था कि मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ वही स्पॉट का लोकेशन उसको जाता था। तो अभी लाइव लोकेशन सपोज मैंने 15 मिनट्स का उसको सेंड कर दिया तो 15 मिनट में इस जगह पे कहीं पे भी घूमूंगा तो वो लोकेशन का जो पॉइंट है उसको ड्रॉप करके दिखा देगा, भाई ये यहाँ घूम रहा है, तो जो सामने वाला बंदा होगा वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। इसलिए लाइव लोकेशन का ये जो फीचर है वो पहले से ही, कुछ एक हफ्ते पहले से फेसबुक व्हाट्सअप में ऐड किया गया है। और जो इमोजी की बात रही, ये तो नॉर्मल रहा, फेसबुक व्हाट्सअप ने 2-3 बार इमोजी चेंज कर दिए, अभी भी कुछ अलग टाइप की इमोजी व्हाट्सअप में दिख रही है फ्रेंड। तो आप भी तीनों फीचर का लाभ उठा सकते हैं, फटाफट प्ले स्टोर में जाइए और अपना फोन व्हाट्सअप जो है अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद नया व्हाट्सअप का मजा लीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था फ्रेंड्स मेरे व्यूअर्स के लिए कि भाई व्हाट्सअप का नया अपडेट आ गया तो फटाफट व्हाट्सअप को अपडेट कर लो, और अपना फोन जो है पहले तो स्मार्ट होता ही था, अभी व्हाट्सअप में इतने नए नए अपडेट आने के बाद वो फुल्ली स्मार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए फ्रेंड्स। और इस अजूम चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत मुझे फ्रेंड्स, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए
जो नीचे वाला आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको फटाफट दबा दीजिए, और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसको भी फटाफट दबा दीजिए फ्रेंड, कि उसी के जरिए मुझे पता चलता है फ्रेंड्स कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं और मेरे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय।